आज मुझे किसी ने हर्ट किया, बुरा लगा, हम रोए, वैसे कह दो। आप ईश्वर से दुख तो छुपा नहीं सकते हो, सुख छुपा सकते हो, आपको लगता है ना, अरे दुख है तो ईश्वर के पास पहुंचना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आप ही के वजह से। सबसे पहले ब्लेम करना है, दोष देना है तो कौन है, ईश्वर। एक पंचिंग बैग कहते हैं ना बॉक्सर, वो पंचिंग बैग, वैसे ईश्वर वैसे बन गए हैं कि कुछ हो गया मतलब आपकी वजह से, कुछ हो गया तो आपकी वजह से। और सुख आते हैं तो फिर हाँ, मतलब आपका आशीर्वाद था, पर हमने भी कुछ तो किया। आप हंस रहे मतलब आप मानते हो इस चीज को, अच्छाई में हम सब भागीदार हैं, बुराई में सिर्फ आप अकेले हो। कोई बात नहीं, उसके लिए तो आप आके बात करो, ईश्वर तो आपको वैसे स्वीकार करते हैं। आप प्रेम से बात करें या चिल्ला के करें, शांति से करें, बात करना बहुत जरूरी है उनके साथ। और इसमें लेन देन ना हो, बाहर हम देखते हैं ईश्वर लोगों के लिए कैसे हैं कि कुछ उन्हें दे, आदान प्रदान, एक्सचेंज, बिजनेस डील, वैसे नहीं होना चाहिए। ईश्वर तो हर चीज के लिए हाँ कहते हैं, पर आपको ऐसे नहीं करना है। अभी आप सीख रहे हो, ऐसे नहीं करना है कि आप मेरा ये काम कर दीजिए फिर मैं आपको ये चढ़ावा हाँ लगा के देते हो, मराठी में नवस कहते हैं, या ना कोई मन्नत हम रखते हैं वहाँ पे कि आप बस ये करा दें, मेरी बेटी की शादी करा दें, जिस दिन फिक्स हो जाएगी हम चढ़ावा आपको भेंट कर देंगे। तो ईश्वर क्या है, उस चढ़ावे के लिए वहाँ पे बैठे हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ देंगे फिर वो एक्शन में आएंगे, तब तक ईश्वर है ही नहीं। वो प्रेम से भरे हैं, जब मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे तभी हम ईश्वर को मानेंगे, ये कैसे हो गया? फिर जितने भी संत होके गए इसके पहले, हर जगह पे पूरे देश में कितना अत्याचार हुआ उनके ऊपर, हुआ ना। फिर इतना अत्याचार होने के बाद उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया, सही बात है? क्यों? अरे उनको तो तकलीफ पहुंची ना, दुख मिला, छोड़ दिया ईश्वर को। जब आप भक्ति की राह पर आगे चलते हो, सच में अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तकलीफें तो पहुंचेंगी। आपको सच में अच्छा बनना है तो ये लो परीक्षा, है ना। सच में अगर आप ईश्वर के भक्त हो तो फिर सब ले लेंगे आपसे, देखते हैं कितनी भक्ति है, कुछ बचे ही नहीं आपके अंदर। कितने लोग फेल हो जाते, छोड़ देते, नहीं ईश्वर नहीं होती दुनिया में, कोई ईश्वर नहीं है, फिर वो अपने अलग रास्ते चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो भक्त थे ही नहीं, उनका ढोंग था। फिर भक्त बनने का ढोंग, आध्यात्मिक बनने का ढोंग, जो सही है उस मार्ग पे लगा रहता है, वो चलता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि लाखों करोड़ों आते हैं पर एक ही पहुंचता है। जो सच में प्रेम करता है वो पकड़ के रखता है कि बस सबको देख लिया, बस आपको अभी तक ठीक से देखा नहीं। ये एक हमें जीवन मिला है मनुष्य का, और इस एक जीवन में हम ईश्वर को तो अनुभव करके ही जाएंगे। भले हम प्रसिद्ध न हो, पैसे उतने न कमाएं, पर आप जो है आपको तो हम अनुभव कर पाएंगे। ये कोशिश निरंतर जीवन भर हम करेंगे। और सबसे अच्छा ये मौका है संपूर्ण मानव जात के लिए, जहां पर आप सब हैं अभी, सबसे अच्छा मौका है कि यहां पर आप ईश्वर को बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर पाएंगे। ये युग बना ही इसके लिए। तो अगले जीवन के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, पुनर्जन्म होगा फिर आप कुछ बनाए आपने? इसका मतलब ये एक ही जीवन है आपके पास, और उसका एक्सपायरी डेट हमारे पास तो आई नहीं अभी तक, कुछ पता भी नहीं हमें। तो आपके पास क्या बचा है अब जब हम बैठे हैं, यही जब बैठ के बात कर रहे हैं, या जो भी लोग सुन रहे हैं अभी भी, यही क्षण है आपके पास। कल के लिए भी आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। बहुत लोग आए, बहुत कुछ किया, योजनाएं बनाई, चले गए बीच में, बहुत कुछ सोचा पर कुछ कर नहीं पाया, हो नहीं पाया। तो सत्य क्या है? ईश्वर, जो निरंतर है, और उनको पकड़ना है तो उनके साथ बात करना है। और बात करना है कैसे? जो भीतर से लगता है बस वो कह देना। उन्होंने माइक उठाया, बात की, हो गया। उन्होंने पूछा, हमने जवाब दे दिया।
संवाद हो गया ना यहां पर, तो बात बस ये कि जब आपको अंदर से लगता है कि ये कीजिए, ये बताइए, मेरे साथ रहिए,